Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. आपको एक टूल बताता हूँ, सिंपल सी एक लाइन लिखी है, वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, developers.google, गूगल का अपना टूल है ये, तो इसलिए हम इस पे इसकी परफॉर्मेंस पे कोई शक को शुबात या कोई वो नहीं कर सकते। हम दरख्वास्त का ही कॉपी कर लेते हैं, लिंक कंप्लीट लिंक को हमने कॉपी किया और मैसी की शक्ल हमें नज़र आ गई। यहाँ पे इसको हम पेस्ट करके एनालाइज करते हैं, तो अभी हमें ये बता देगा कि दराज की क्या औकात है डेवलपमेंट एंड में। बेसिकली चीज़ थोड़ी सी डेवलपमेंट एंड में आती है, बट आप एज ए डिजिटल मार्केटिंग जॉब कर रहे हो या आप किसी क्लाइंट के एनालिटिक्स और सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपने एक रिपोर्ट बना के डेवलपर्स को देनी है कि भाई जान 14 सेकेंड बहुत ज़्यादा टाइम है, मैंने इसको 3 सेकेंड 4 सेकेंड में देखा। अच्छा जी, दराज जो मोबाइल पर खुल रही है वो कह रहे हैं कि यार ये एरर आ रहा है, नहीं बता सकता, हम उसको रिपीट करते हैं दफा। आई थिंक 14 सेकंड इज मच मोर टाइम फॉर लोडिंग, राइट? या इट्स अ वेरी अच्छा, जो मैंने आपको जो साइट का दिखाया ना वो इतनी ऑप्टिमाइज्ड साइट नहीं, क्योंकि आपको बताया था कि वो मैं कुछ डमी अकाउंट्स और कुछ उन सब चीज़ों को लेके चलता। अच्छा जी, दराज का जो है ऑप्टिमाइज टाइम जो कि डेस्कटॉप पे खुल रहा है वो 58% है, इट्स बिलो एवरेज, बहुत ज्यादा नीचे है ये। अब ये कुछ सर्वर एंड की चीजें, इनको मैं नहीं छेड़ता, बट आप यहाँ से देख लें कि यार ये बहुत नीचे है, एवरेज है। दराज की जो वेबसाइट खुल रही है वो एवरेज है और जो उसका ऑप्टिमाइजेशन वो लो है, मतलब जो दराज के डेवलपर्स हैं वो सीजन देख रहे हैं बस ऑफिस में बैठ। अच्छा, यहाँ पे कुछ सजेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इमेजेस का, तो इसने बोला कि यार ये जो इमेजेस हैं ये 47% इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक बैनर लगा हुआ है ये लिंक है, इस बैनर को, इस स्लाइडर को, जो एचपी का स्लाइडर ये वाला आ रहा है, पूरा स्लाइडर ये इमेज पूरा आ गया, इस इमेज को आप 53% तक और कम कर सकते हो, हमें गूगल बता रहा है, ये गूगल के स्टैट्स हैं। अगर आप एजेंसी हो या आप जॉब कर रहे हो, आप अपने डेवलपर को इसका लिंक भेजो और उसे बोलो कि सर आप क्या कर रहे हो, आपके पास 53% मार्जिन है इस इमेज को ऑप्टिमाइज करने का, आप क्यों नहीं करते हो, वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा कि यार ये बच्चा कहाँ से डेटा लेके आ रहा है। अब उसको इस इमेज का लिंक भेजोगे यार, आप इसको 53% और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अच्छा, एक ऑप्टिमाइजेशन का आपको मैं टूल भी बता देता हूँ, optimizezilla.com, ये गूगल रिकमेंडेड टूल है। अब इस इमेज को हमने अपने पास सेव किया डेस्कटॉप पे 144 के नाम से, और यहाँ पे इस ऑप्टिमाइजेशन वाले पे अपलोड पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे होगा 144 कहाँ गया, डाउनलोड से होगा 144, यहाँ बटन कहाँ से होगा, एक मिनट हम दोबारा सेव करते हैं इस पैनल को,
डेस्कटॉप अच्छा ये ऑल फाइल्स में जा रहा है ओके अच्छा ये क्यों स्लाइडर चल रहा है कोडिंग के थ्रू होगा लैंग्वेज में होगा हाँ ये आप जानते हो क्योंकि ये jQuery के थ्रू आ रहा है इसलिए आई थिंक ये हमारे पास एज अ इमेज सेव नहीं होगा एक और ट्राई करते हैं इसको सेव करने के लिए अच्छा खैर इस टूल के थ्रू आप अपने अपॉइंटमेंट किसी डेमिकेटर से दिखा दें आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स जितने भी इमेजेस हैं उनको अपलोड करते हो किसी भी फॉर्मेट में वो पीएनजी में है वो जेपेग में है अब ये इनको ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट करके ऑप्टिमाइज करके देगा अब देखिए पहले इमेज का जो उसने साइज का ऑप्टिमाइज किया वो 63% इसने ऑप्टिमाइज कर दिया अब वो यहाँ पे आपको नीचे डिस्प्ले दे रहा है वो कहता है कि पहले साइज फाइल का साइज 580K था मैंने उसका साइज कर दिया 217K 63% मैंने उसमें से जो साइज था उसको कट कर दिया और दोनों की क्वालिटी आपके सामने ये जिसका मैं साइज छोटा कर रहा हूँ ये आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन है ये राइट साइड वाला कुछ पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज चल रही है शायद ज़ूम कर सकते हैं अब ज़ूम करके देख लेंगे दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है कोई फर्क नहीं है दोनों में बट साइज को उसने ऑप्टिमाइज किया इस टूल का ये कमाल है ऑप्टिमाइज जिला के नाम से है इसका मैं लिंक ना आपको ग्रुप में भिजवा दूंगा ये लोगों आप याद रखिएगा बहुत परफेक्ट टूल है और मैं इसको पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ठीक है वेबसाइट स्पीड का और गूगल पे सर्च करें गूगल का अपना प्लगइन है ये स्पीड टेस्ट के लिए और गूगल का एक और प्लगइन है वो यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल स्पीड टेस्ट फॉर मोबाइल ये देखो सर्च google.com गूगल के अपने टूल्स हैं ये आप कह लो कि रिकमेंडेड टूल्स हैं या इन पे इंटरेस्ट है वो सब कुछ चीज़ है हाँ जी टाइनी पी एन जी इज ऑल्सो अ गुड वन जो टाइनी पी एन जी है वो भी सेम उसका भी काम ये है ये थोड़ी सी जो ऑप्टिमाइजर है थोड़ी यूज़र फ्रेंडली है और मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ मुझे इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ और बहुत सारी आप सर्च करें तो आपको बेतहाशा करोड़ों टूल जैसे मिल जाएंगे जो कि फ्री हैं और उनका यूज़ कर सकते हो और इसकी जो API है वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने मेजेंटो के साथ मेजेंटो में प्लग इंस्टॉल करो इमेज ऑप्टिमाइजर का सॉरी वर्डप्रेस में अब जितनी भी चीज़ें अपलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होती जाएंगी ठीक हो क्या उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रहे तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए उसका सोल्यूशन निकालने के लिए अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं अल्लाह हाफ़िज़